बबली बेटा, क्या कर रहे हो? अच्छा कुछ कहना है? क्या कहना है? क्या वो ब्लैक शर्ट में अच्छा लग रहा हूँ? ओके तो दोस्तों, यहाँ पर इस लोकेशन को हम इम्प्रूव करने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा। और अगर हमारे पास अच्छे प्लांट्स और बच गए तो इस कॉर्नर को भी हम इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है। ये अभी मेरा वर्किंग डेस्क है, इसके ऊपर ग्रीन ग्रास रहती है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। अब यहाँ पर हम जो करने वाले हैं वो आप एक बार नज़र डाल दीजिए, कितना प्लेन है, वाइट है, और मिट्टी विट्टी तो डेफिनेटली उड़ेगी ही है क्योंकि हम प्लांट्स रखते हैं तो मिट्टी विट्टी उड़ जाती है जब पानी पिलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड है, इसका जो बेस है, जो इसका दोस्तों यूनिफॉर्म कलर नहीं है, तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म कलर यूज़ करेंगे। वो मैं आपको कलर बताता हूँ। कलर में दोस्तों ये है एस एक्सटेंशन एक्सटीरियर, एस का एक्सटीरियर है, एशियन पेंट का है, और इसमें हमने कोड कोड ये वाला यूज़ करा है जिसमें ग्रे कलर होगा, मतलब कि सीमेंटेड कलर। हम यहाँ पर एक कलर करने वाले हैं जो होगा सीमेंटेड कलर, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, फिलहाल मैं आपको और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ बहुत ये पतड़े हैं, मतलब शेड है, और यहाँ पर भी बहुत सारी मिट्टी जम चुकी है, तो इसका नंबर बाद में आएगा। पहले हम यहाँ पर इस लोकेशन को इम्प्रूव कर देते हैं। तो वहाँ पर हम बेसिकली मनी प्लांट रखते हैं, ही जो फ्रंट में जो है यहाँ पर मनी प्लांट्स रहते हैं, और यहाँ पर इस साइड में बहुत सारे डेकोरेटिव प्लांट्स रहते हैं, और नीचे की तरफ दो तीन बेंच रहेगी। तो मैं कोशिश करूँगा इस लोकेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकूँ। कुछ चेयर टेबल ऐड करेंगे, ग्रीन कारपेट ग्रास भी ऐड करेंगे। देखते हैं हम हमारी लोकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले इस बेस के ऊपर कलर करना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो फाइनली हमने यहाँ पर कलर कर दिया है, और यहाँ पर हमने ग्रे कलर सेलेक्ट करा है, मेटालिक ग्रे कलर। और अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर की कारपेट बिछाने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर लोकेशन बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल, और आज का वीडियो दोस्तों आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आप कोई लोकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है। चलिए फाइनली अब स्टार्ट करते हैं। ग्रीन ग्रास कारपेट नेली मुझे 55 रुपीज स्क्वायर फीट में पड़ी है, और मैं 78 स्क्वायर फीट लेके आया हूँ, जिसका पन्ना अगर आप समझते हैं, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई जो है 6.5 फिट, और लंबाई लेके आया हूँ मैं 12 फिट के आसपास। चलिए इसको बिछा के दिखाता हूँ। सो लग रही है ना कुछ स्पेशल?
लोकेशन धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी, आप बस बने रहना इस वीडियो के अंदर। चलिए अब यहाँ पर मैं दो बेंच है जिस पे हमने कलर कर रखा है उसको रख के दिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं झुक क्यों रहा हूँ, दोस्तों कैमरा एंगल ऐसा है। जिम जाने का फ़ायदा, आप कोई भी चीज़ को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ओके अभी जो हम एरिका बम लेके आए थे नियरली 8-10 फीट के, एक इस कोने में लगेगा और एक उस कोने में लगेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा के बताता हूँ आपको। अब हम स्नेक प्लांट का एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और इस सेंटर वाली लोकेशन में सेट करते हैं। जंगल दिख चुका होगा बट ये रहे कुछ स्नेक प्लांट। एक मिस्टेक हो गई सबसे बड़ी, सारे पॉट अलग है, अब कैसे यूनिफॉर्मिटी नज़र आएगी। ठीक है जो भी है, अब एक ही करके मैं अरेंज करता हूँ इस लोकेशन। सेंटर लोकेशन को हमने मेन टारगेट करा है। अब ऊपर की तरफ कुछ प्लांट्स लगाते हैं सिंगुलर, वो जो पोर्शन है वहाँ पर मैं कलरफुल प्लांट्स रखूँगा। तो सबसे पहले इन सारे प्रोटीन प्लांट्स को अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट प्लांट है एस्पेरिगस फर्न, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्मॉल इसकी लीफ होती है। ये ज़्यादा सनलाइट बियर नहीं कर सकता है, हल्की फुल्की सनलाइट बियर कर सकता है, बट मेरे पास करीब करीब 3-4 साल से है, एक के दो कर दिए मैंने और इनके पॉट भी सिमिलर है। तो ये इनको अरेंज करते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। अब उस कोने को इम्प्रूव करते हैं, धीरे धीरे पूरा इम्प्रूव होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पर सेंटर में हम बिग लीफ मनी प्लांट लगाएंगे। अच्छा लग रहा है दोस्तों मनी प्लांट वहाँ पर, बट अब कवर टूटने वाली है क्योंकि बहुत बड़ा गमला है, बहुत वजन है उसमें 20-30 किलो होगा। देखते हैं कैसे ले जाते हैं। अभी तक का सबसे भारी गमला है ये, काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है तो मिट्टी का वजन भी बढ़ जाता है, पानी कंटिन्यूसली उसमें स्टोर रहता है। यहाँ पर दोस्तों ये स्मॉल ड्राफ्ट वेराइटी के स्नेक प्लांट है और हम सोच रहे हैं इनको यहाँ पर भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर अगर जैसा वो बेस पूरा अभी खाली पड़ा है वहाँ पर कुछ लगभग 2 फीट या 1.5 फीट की हाइट के प्लांट तो चाहिए ही चाहिए।
तो या तो ये यहाँ पर सेट कर सकते हैं हमारे इस ड्राफ्ट वैराइटी के सिलेक्ट पॉइंट और भी है मेरे पास, या फिर उस जगह पर थोड़ा सा मैं और देखता हूँ और कौन से प्लांट सेट कर सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। ओके, स्नेक प्लांट एडजस्ट करने से पहले हमारे पास दो बुद्धा अवेलेबल है, एक तो सिर्फ फेस है और एक पूरी बॉडी है, तो एक हम इस एरिका पाम में लगा देते हैं जो सबसे बड़ा सा है, और उसके पास में ही अरेलिया प्लांट है, दोनों के बेस पर अच्छा लगेगा और दोनों काफ़ी अच्छा एलिगेंट लुक भी देंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास थ्री लेग में एक पॉट है और इसमें वेरीगेटेड मनी प्लांट था, पता नहीं इसकी लीफ ग्रीन कलर की कैसी हो गई, इसको हम उस कोने पे सेट करेंगे। हमारे पास एक पाम ट्री और है दोस्तों, ये वाला, इसको हम इस विंडो के जस्ट नीचे, ये जो विंडो है इसके जस्ट नीचे रखेंगे क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा खाली नज़र आ। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों एलिफेंट ईयर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फेवरेट डेफन बाकिया, और ये छोटे से पॉट में है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। अब दोस्तों ये है लिली, और इनको थोड़ी सी लाइटिंग पसंद होती है, थोड़ी सनलाइट पसंद होती है फ्लावरिंग वगैरह के लिए, तो हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, ये जो एंट्रेंस है अब इसको हम क्लोज करेंगे। दोस्तों सुबह से लगा हुआ हूँ और आज डे टू है, डे टू या डे थ्री एग्जैक्टली पता नहीं, पैरट्स भी आवाज़ कर रहे हैं काफ़ी सी। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको जमा दिया है, अब नेक्स्ट काम हम कल करेंगे। ठीक है, और अब अंधेरा भी होने लग गया, नियरली 6:30 बज चुकी है, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग, अब यहाँ पर दोस्तों ये जो वॉल है ये बिल्कुल खाली खाली से नज़र आ रही है, और हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट भी करा कि दीवार पर कुछ कलर होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास मनी प्लांट की लीफ अवेलेबल है, प्लास्टिक की है तो इनको पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये अच्छा कवरेज दे देगी, नियरली 8 फीट के आसपास है और 8 फीट के आसपास इसकी हाइट है, और मेरे पास 5 लीफ के स्लीव्स है, मतलब 5 ऐसे सेपरेट स्ट्रिंग्स है। ठीक है, और इसका अनबॉक्सिंग एक अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में आएगा जो हमने अमेज़ोन से ख़रीदे हैं, अमेज़ोन अनबॉक्सिंग Part 3 आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब यहाँ पर अरेंज करके देखते हैं, वैसे मुझे भी नहीं पता इसको कैसे अरेंज करूँगा मैं, बट देखते हैं, हम कुछ तो आइडिया लगा ही लेंगे। और कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, एकदम ओरिजिनल। नेक्स्ट दोस्तों हम यूज़ करने वाले हैं हैंगिंग पॉट, और इसमें हमने मनी प्लांट ग्रो कर रखा है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 to 4 हुक्स है, सबसे पीछे वाले में ये एक बार येलो कलर लगा देता हूँ क्योंकि येलो कलर काफ़ी कूल लगता है। लग रहा है ना ऑसम। तीन दिन से लगा हुआ हूँ और प्लानिंग काफ़ी पुरानी है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली अप्लाई करना। अब दोस्तों फाइनल टच है, यहाँ पर 2 चेयर्स और एक टेबल की ज़रूरत है क्योंकि गार्डन में अगर चाय पीने वाला कुछ सामान ही ना हो तो कैसे मज़ा आएगा, तो
चेयर और टेबल का कॉम्बिनेशन आपको अच्छा नहीं लगे तो आप सजेशन दे सकते हैं कि क्या हम ऐड कर सकते हैं, बट टेबल मैं चेंज नहीं करूँगा, टेबल मुझे बहुत प्यारी लगी है। लग रहा ना कुछ यूनिक। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही यूनिक चीज़ मंगाई है मैंने अमेज़ॉन से, और ये दिख गई यार, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ उसका क्या कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई सूटकेस है, कूल है ना। अब देखिए ये कैसे चेंज होता है, इसको ऐसे करना है और ऐसे पुश करना है और ये बन गई छोटी सी टेबल। अब हम इसके ऊपर रखेंगे हमारी बबली। अब बबली कौन है मैं बताता हूँ, इसको यहाँ रखूँगा इस कॉर्नर पर, एक ओवरव्यू दूंगा ओवरऑल, बट सबसे पहले हम देख लेते हमारी बबली कौन है। बबली बेटा क्या कर रहे हो? अच्छा कुछ कहना है? क्या कहना है? क्या वो ब्लैक शर्ट में अच्छा लग रहा हूँ? अच्छा, बट कल तो तेने बोला था मैं वाइट में अच्छा लग रहा हूँ। ओ अच्छा, ओके, ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बबली। होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा होगा, और ऐसे मोर आइडियाज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप भी अपने यूनिक आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली अपने गार्डन में उनको इंक्लूड करूँगा। और हाँ, बबली के लिए लाइक तो बनता है ना, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बबली के खाना देने का समय हो गया है, तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।